हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ के अच्छे मैनेजर हैं? क्या आपको अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन से बाहर निकलना आता है? फेमस यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर और ऑथर अंकुर वारिको ने हमारी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब पर एक किताब लिखी है। इस किताब को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, जो हमारी लाइफ के स्टेज को एक स्टूडेंट और टीचर के डिस्कशन के तौर पर जवाब देता है। ऐसे में यदि आप भी अपने लाइफ के झमेलों में उलझे हुए हैं और एक बेहतर सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो चलिए इस बुक समरी को सुनकर अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। दोस्तों, ऑथर ने इस किताब में स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी 36 प्रॉब्लम को टीचर और स्टूडेंट के बीच के संवाद से समझाने की कोशिश की है, जिसमें स्टूडेंट टीचर को अपने प्रॉब्लम को बता रहा है और टीचर उन प्रॉब्लम के जवाब दे रहा है। स्टूडेंट टीचर से कहता है, मैं खुद को कंपेयर करना कैसे बंद करूं? तो टीचर कहता है कि ये समस्या सभी के साथ होती है। आज के समय हर कोई एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है, लेकिन जब तक आपका फोकस खुद पर नहीं रहेगा और आपको ये ना लगे कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, तब तक आपको खुद पर डाउट होता रहेगा और आप खुद को दूसरों से तुलना करते रहोगे। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी करूं? टीचर कहता है कि जब तक आप अपने आसपास के माहौल को नहीं सुधारेंगे, तब तक आपके कम्युनिकेशन में कोई सुधार नहीं होगा। आपको दिन प्रतिदिन इस पर काम करते रहना है और अपने से बेहतर लोगों के साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखना है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाऊं? टीचर कहता है कि ग्रोथ माइंडसेट आपके गोल्स पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो, आप कैसी प्लानिंग करते हो, आपके देखने, बोलने और सोचने का क्या नज़रिया होता है। ये सभी चीज़ें आपकी ग्रोथ माइंडसेट को दर्शाती है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं ज़िंदगी में कठिन निर्णय कैसे लूँ? टीचर कहता है कि यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कठिन निर्णय तो लेने ही होंगे। या तो ये कठिन निर्णय आपको बहुत आगे पहुँचा देंगे या फिर आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, लेकिन आपको ऐसे कठिन निर्णय लेने से घबराना नहीं है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं? टीचर कहता है कि ये चीज़ें आपको काम करते करते आ जाती है, बस आपको ये देखना होता है कि कब आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आज के समय टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं फोकस कैसे करूं? टीचर कहता है कि एक छात्र के जीवन में फोकस की काफ़ी कमी होती है, उसका मन हज़ार चीज़ों में लगा रहता है, उसे सारी चीज़ें एक साथ ही करनी होती है या फिर किसी में भी उसका मन नहीं लगता है। ऐसे में उसे परिस्थिति की ज़रूरत को समझना होता है और उस काम में लगे रहना होगा। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील करूँ? टीचर कहता है कि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो आलोचना तो आपको मिलेगी ही, बस आपको उस पर ध्यान न देकर अपने काम में लगे रहना है। आलोचना तो जीवन का एक हिस्सा है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं पढ़ाई की आदत कैसे बनाऊं? तो टीचर कहता है कि यदि आपका छात्र जीवन ही है जिसमें आपको पढ़ाई करनी होती है, ऐसे में यदि आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, तो ये आप में आत्ममंथन करने की वाली बात है। आपको अधिक प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को ही देना है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं मेडिटेशन को अपने लाइफ में कैसे शामिल करूं? टीचर कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे समय आपको मेडिटेशन करना है, आप दिन की शुरुआत 15 मिनट मेडिटेशन से कर सकते हैं। ये आपको पूरे दिन शांत रखेगा और आप अपने सभी काम में अच्छे से फोकस कर पाओगे। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूं? टीचर कहता है कि जब आप किसी के साथ ईमानदारी से रहते हो तो सामने वाला भी आपके साथ अपना ट्रस्ट बनाने लगता है। एक दूसरे के साथ लॉयल्टी रखने से ही आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अपना पैशन कैसे ढूंढूं? टीचर कहता है कि आपको खुद ही सोचना समझना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस में रुचि है। जहाँ आप लॉन्ग टर्म करियर बना सकते हो तब आपको अपना पैशन पता चलेगा। ये चीज़ें आपको सही समय पर पता चल जानी चाहिए। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं सही करियर कैसे चुनूं? टीचर कहता है कि ये आप जितना जल्दी जान गए उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको सभी क्षेत्र की बेसिक जानकारी ले लेनी है और फिर जाकर ये डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। जहाँ आप लॉन्ग टर्म पर
पर सर्वाइव कर पाओ, तभी आप सही करियर चुन सकते हैं। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अपना करियर कैसे बदलूं। टीचर कहता है कि जब आपको लगे कि मैं दूसरे फील्ड में और बेहतर कर सकता हूं और इससे ज़्यादा सफलता हासिल कर सकता हूं, तो आपको ये डिसीज़न ले लेना चाहिए और रिस्क लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तभी आपके सक्सेस होने के मौके बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अपने करियर में ग्रो कैसे करूं। टीचर कहता है कि जब काम करते करते खुद को इम्प्रूव करते रहोगे और अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दोगे, तो करियर में ग्रोथ आसानी से मिल जाएगी। अगर आप खुद ही कुछ नया सीखने की चाह रखोगे तो ग्रोथ मिलना और आसान हो जाएगा। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील करूँ। टीचर कहता है कि पॉलिटिक्स तो सभी जगह होती है, बस लोगों ने उसे पॉलिटिक्स का नाम दे दिया है। आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आप अपने काम पर ध्यान दो। जितना आप इन चीज़ों से दूर रहोगे आपके करियर के लिए उतना ही सही रहेगा। टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि मुझे नई जॉब के लिए पहले 90 दिन कैसे बिताने होंगे। टीचर कहता है कि जैसा एक कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज की शुरुआत के 90 दिन बिताता है, अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बिताएंगे, क्योंकि आपका कोई सटीक जवाब नहीं है। हर किसी का कोई सटीक जवाब नहीं होता है, हर किसी के लिए ये जवाब अलग अलग हो सकते हैं। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम कैसे बिल्ड करूं। टीचर कहता है कि आज के समय तो स्टूडेंट कॉलेज के साथ साथ ही पैसे कमाने लग गए हैं और इसके कई सोर्स भी मार्केट में है। जो स्किल आपको आती है उसे स्क्रैच से स्टार्ट करें। शुरुआत में ये मत सोचो कि सफल होंगे कि नहीं, लेकिन जिस दिन सफल होंगे आगे के नए नए रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं एक गैप ईयर कैसे लूँ। टीचर कहता है कि ये तो बहुत आसान है, यहाँ तो कई लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके इतना नाम कमा लिया है, इतनी सक्सेस हासिल कर ली है, तो एक साल का गैप लेना कौन सी बड़ी बात है, बस आपका मोटिव स्ट्रांग होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं ना बोलना कैसे सीखूं। टीचर कहता है कि नो बोलना सीखा नहीं जाता बल्कि सीधे बोला जाता है। जब आपको लगे कि नो बोलना चाहिए, भले ही सामने वाला नाराज़ हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बाद में जाकर समझ जाएगा। लेकिन यदि आप नो बोलना सीखे तो आपके लिए हर समय समस्या होते रहेगी। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं किसी से मदद कैसे मांगूँ। टीचर कहता है कि मदद तभी मांगो जब सख्त ज़रूरत हो, वरना नहीं। आपको सबसे पहले खुद अपना 100% देना है, तब जाकर कहीं आपको लगे कि अब थोड़ी ज़रूरत मदद की ज़रूरत है तो अपने किसी खास से मदद मांग लो। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि पेरेंट्स को अपने करियर चॉइस के लिए कैसे मनाऊं। टीचर कहता है कि अगर वाकई में आपके चॉइस में दम है और आपको भी पूरा विश्वास है कि ये वे भी मान जाएं, तो कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं होते हैं जो अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते होंगे। बस आपको उनका भरोसा नहीं तोड़ना है, वे आसानी से मान जाते हैं। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं दोस्त कैसे बनाऊं। टीचर कहता है कि जैसे आपने अपने बचपन में बनाए थे वैसे ही बनाने हैं। अक्सर दोस्त बनाने की कोई प्लानिंग नहीं होती है, ये तो खुद ही बन जाते हैं। बस आप कितनी फ्रेंडली स्वभाव के हैं ये निर्भर करता है। दोस्त हमेशा ऐसे बनाओ जो आपके सुख दुख में काम आए, ऐसे नहीं जो हमेशा आपका फ़ायदा ही देखें। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढूं। टीचर कहता है कि जैसे देखकर आपको लगे कि इसकी और मेरी सोच एक जैसी है, हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ रह सकता है, तो आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं ब्रेकअप से कैसे डील करूं। टीचर कहता है कि ये दौर आज के ज़्यादातर युवाओं के साथ आता ही है, वे अक्सर इससे उभर नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि मेरी दुनिया अब ख़त्म हो गई है, उनका कोई भी सेंस काम नहीं करता है। लेकिन ऐसे में आपको संयम से काम लेना है, अपने से बड़ों की बात सुननी है, शायद वो आपको कोई रास्ता दे सके। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अपनी बाउंड्री कैसे तय करूं। टीचर कहता है कि हर किसी को लगता है कि मेरी बस इतनी ही लिमिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी ये नहीं जानता है कि उसकी कितनी लिमिट है। जिस दिन वो ये जान गया तो उस दिन वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर लेगा, बस आपको सही पाथ पर चलना है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं टॉक्सिक फ्रेंड से कैसे डील करूं। टीचर कहता है कि ऐसे दोस्तों को
आपको जितना जल्दी हो सके पहचानना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ ख़राब करने में देरी नहीं करेंगे। ऐसे दोस्तों का मकसद ही होता है कि कैसे मैं सामने वाले के काम में बाधा डालूं और उसे मिसगाइड करूं। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं पेशेंस कैसे डेवलप करूं। टीचर कहता है कि जितना आपका फोकस अपने काम पर होगा और आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, उतना ही आपका पेशेंस डेवलप होगा। आपको अपना फोकस लूज़ नहीं करना है, यही आपको सफलता तक ले जाएगी। स्टूडेंट टीचर से कहता है मैं एक स्लीप रूटीन कैसे बनाऊं। टीचर कहता है कि सबसे पहले आपको सुबह से लेकर पूरे दिन का टाइम टेबल बना लेना है कि कब क्या क्या करना है। ये सारे काम आपको समय पर करने हैं। समय समय पर कॉलेज ऑफिस जाना है और समय पर आना भी है, तभी आप अंत में अपना स्लीप रूटीन बना पाओगे। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अच्छी आदत कैसे बनाऊँ। टीचर कहता है कि आपकी अच्छी आदत तभी बनेगी जब आप एक अच्छे रूटीन में होंगे। और अच्छा रूटीन कैसे बनेगा, इसका जवाब मैंने पहले प्रश्न में दे दिया है। बाकी कौन सी आदतें आपके लिए सही है और कौन सी गलत है, वो आपको डिसाइड करना है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं और सेल्फ अवेयर कैसे बनूँ। टीचर कहता है कि आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उससे पूरी तरह अपडेट लेना है। आज के इस दौर में तेज़ी से काम हो रहा है, ऐसे में यदि आप पीछे रह गए तो आगे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी सेल्फ अवेयरनेस आपको हमेशा मदद करेगी। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं खुद के बलबूते पर कैसे जीऊँ। टीचर कहता है कि इसकी समझ आपको जितने जल्दी आ जाएगी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आज के युवाओं को 25 से 30 साल होने तक भी ये पता नहीं होता है कि आगे क्या करना है। उन्हें अभी तक अपना लक्ष्य नहीं पता होता है। खुद के पैरों पर खड़े होना बहुत दूर की बात है। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं अपना गुस्सा कैसे संभालूं। टीचर कहता है कि यही गुस्सा हमें अकेला कर देता है। जब हम हर समय सभी पर गुस्सा करते हैं तो लोग हमसे दूरी बना लेते हैं। आपको इसका समय पर एहसास हो जाना चाहिए। फिर भी आपको बहुत गुस्सा आता है तो मेडिटेशन का सहारा लेकर भी आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं खुद को वापस कैसे खड़ा करूं। टीचर कहता है कि एक बार गिर गए तो जल्दी से उठ जाना भी है और वो गलती फिर से नहीं दोहराना है। जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं उनके लिए बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो लोग समय पर खड़े हो जाते हैं वे भविष्य में हर मुश्किल से लड़ लेते हैं। स्टूडेंट टीचर से कहता है कि मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकता हूँ। टीचर कहता है कि जो खुद के बेस्ट फ्रेंड होते हैं उन्हें किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं। ऐसे लोग काफ़ी खुश मिजाज होते हैं और अपने दुखों का समाधान भी खुद ही निकाल लेते हैं। आपको ऐसे लोगों से सीखना है। आखिर अंत में ऑथर ने अपनी लाइफ के कुछ खास दोस्तों का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी एक फ्रेंड जो एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद उन्हें एक अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें लगा कि मेरा इसमें मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अपनी पसंद का करना चाहिए। और ऐसा करते करते उन्होंने समय समय पर अपने पैशन बदले और वे खुद उन नई चीज़ों को सीखने लगी। ऐसा करने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, वे बहुत खुश भी थी। आखिर में जाकर कुछ ऐसा कर रही थी जो उनकी डिग्री से बिल्कुल अलग था। ऑथर अपने इस किताब के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि लाइफ में आप जो चाहते हो वही करने की कोशिश करो।